भाई विलियम मैरन ब्रैनम की विश्वव्यापी सेवकाई विच तुहाडा स्वागत है। पिता का एहसास करते हुए कि यह टेपा संसार विच चलिया जाणगियां, बहुत सारे माइक्रोफोन इस पुलपिट ते सारिया थां फैले हुए हैं, जिसका मतलब है कि टेपा बन रही हैं। उत्थों मुड़ के यह आवाज दुनिया भर के वख-वख देशों विच जा रही होगी। दुनिया भर विच वी या ती वख-वख कौमां नूं सुनन नूं मिलेगा। मैं हर उस व्यक्ति लई प्रार्थना करदा हां जो इस टेप नूं सुनदा है, जिसनूं सदीवी जीवन दी उम्मीद नहीं मिली, जिसनूं पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा नहीं मिलिया, ऐ उन्हां दे दिलां विच मिठे रूप विच आवे, इसनूं बख्शो मेरे प्रभु। शुभ सवेर दोस्तों, ऐ 21 अक्टूबर 2023 है। सानू दुखदाई खबर मिली है कि 19 अक्टूबर वीरवार सवेरे 3:30 बजे भाई बिली पॉल जीवन की किश्ती ते सवार हो गए अते समय दी धारा नू पार कर गए। कृपा करके ब्रानहम परिवार नू अपनियां प्रार्थनावां विच याद रखो अते हर एक नू दिलासा देण लई प्रभु अपने दूतां नू भेजे। हुण इत्थे ब्रानहम टबरनाकल तो भाई जोसफ ब्रानहम उकाबां दे इकट्ठे होण दे चिट्ठी दे नाल हन। परमेश्वर दे प्यारे भवनों, मैं उसका चर्च हाँ, तुसी उसदे चर्च हो, असी ओ पवन हाँ जिस विच परमेश्वर निवास करता है, असी जिउंदे परमेश्वर दे चर्च हाँ। साडे होंद विच रहण वाला जीवित परमेश्वर, साडे काम परमेश्वर दे काम हन। महिमा, असी सारे इकट्ठे हो रहे हाँ दुनिया भर दीआं छोटीआं थावां ते उस दे अज दे वचन दे लई। सारे वॉइस ऑफ गॉड दे दुलारे इकट्ठे हो रहे हैं, यह बहुत शानदार है। किसी भी चीज नाल कोई संबंध नहीं, केवल यीशु मसीह अते उस दे वचन नाल। यह है समा असी वॉइस ऑफ गॉड द्वारा संपूर्ण होके स्वर्गीय स्थानां विच इकट्ठे हो रहे हाँ। असी सारे तरीके नाल जा रहे हाँ, असी सारे वायदा किते हुए देश वल जा रहे हाँ। साडे विचों हर एक, भावें तुसी एक घरेलू औरत हो, एक छोटी नौकराणी, एक बुढ़ी औरत, बुजुर्ग या एक नौजवान, तुसी जो भी हो, असी सारे जा रहे हां। साडे विच्चों एक भी बाकी नहीं रहेगा, साडे विच्चों हर एक जा रहा है अते असी किसे भी चीज लई नहीं रुकांगे। साडा मनना है कि सानू सारियां नू इकट्ठे होना चाहिदा है। येशु मसीह दी देह दा एक महान संयुक्त समूह उस शानदार दे आउण दी उड़ीक कर रहा है। सानू वख नहीं होना चाहिदा है, पर मनुख अंजील दे उपदेश दे कुटे हुए मार्ग तों दूर हो गया है। निश्चित तौर ते यह दिखाउण दा कोई तरीका होना चाहिदा है केड़ा सही है अते केड़ा गलत, अते इको एक तरीका जो तुसी कहंदे वी हो करोगे। शब्द दी कोई व्याख्या नहीं कीती जांदी, इस नूं उसे तरह पढ़ो जिवें ए है अते इस ते विश्वास करो। हर आदमी अपनी व्याख्या पेश कर रहा है अते ए इस नूं कुछ वखरा कहण लई बनाउंदा है। लाड़ी लई परमेश्वर दी इक ही आवाज है, बटन दबाओ अते चलो। मैं इस नूं टेप ते कहना हां अते इस स्रोतियां लई मैं ए पवित्र आत्मा दी प्रेरणा नाल कहना हां, जो प्रभु दे पासे हन उस नूं इस शब्द दे अधीन आउण दिओ। साडे दिन लई शब्द दी इक आवाज है, साडा नबी ओ आवाज है, ओ आवाज साडे जमाने लई जिउंदा शब्द है। असी उस आवाज नूं सुनन अते इस घड़ी नूं देखन लई पहलां तों ही निर्धारित कीते होए सी अते कोई भी चीज सानू उस आवाज नूं सुनन तो रोकण वाली नहीं है। साडा विश्वास इस नूं देखदा है अते इस नूं सुनना ही चाहुंदा है, भावें कोई कुछ भी कहे। असी एक वखरे तरीके नाल देखण लई अपनियां नजरां नूं हेठा नहीं छड्डदे। असी अपनी गल्लां दे विषय नूं वचन ते केंद्रित रखदे हां,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਜੈਫਰਸਨ ਵਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ 63 07 14 M। ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰਾਨਮ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਲੋਮ। Thank you.